तो चलिए आज मेरा जो निंजा 300 है उसका रिव्यू डालते हैं। सो हियर इज द ग्रीन बीस्ट 2021 BS6 निंजा 300। नाउ इट इज मोर रिफाइंड एंड मोर फाइन ट्यून, नथिंग स्मूथर देन दिस बाइक एंड नथिंग स्मूथर देन दिस टू राइड ए डेली कम्यूट मशीन व्हिच इज मोर रिफाइंड नाउ इन BS6 वर्जन। सो इफ यू विल टॉक अबाउट दिस बाइक, this bike is king in this 300 segment. In its segment it is a king, there is no competitor of Ninja 300. So let's see spec of this bike. To chaliye abhi chalte hain engine and transmission ke taraf. To ye jo aata hai liquid cooled 4 stroke parallel twin with manual transmission engine. Iska jo displacement hai wo hai 296 cc with 6-speed gearbox के साथ ही आता है, और इसका जो स्ट्रोक है वो है 62 mm का बोर और है 49 mm का स्ट्रोक विथ 10.6:1 कंप्रेशन रेशियो में ये आता है। और इसका पावर का बात किया जाए तो जो BS6 है उसमें उतना कुछ चेंज नहीं हुआ है, वही पावर है इसमें। जो पावर है ये है 39 PS एट द रेट ऑफ 11,000 RPM, एंड इसका जो टर्क है वो है 26.1 न्यूटन मीटर है 10,000 RPM। एंड इसका जो सिलेंडर है वो है ट्विन सिलेंडर इंजन, जैसे कि मैंने आपको बताया ट्विन सिलेंडर इंजन ही आता है। अभी फीचर के पास आते हैं, जैसे कि ये जो है डुअल चैनल ABS के साथ आता है और एक डिजिटल स्पीडोमीटर विथ डिजिटल एंड एनालॉग कंसोल। लेट्स कम टू इट्स चेसिस एंड सस्पेंशन। जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है वो है 37 mm टेलीस्पोकिक फोर्क बाई 120 mm, और जो रियर सस्पेंशन है वो है बॉटम लाइन यूनि ट्रैक विथ गैस चार्ज्ड शॉक 5-वे एडजस्टेबल प्री लोड बाई 132 mm। तो चलिए इसके अभी डायमेंशन के ऊपर एंड कैपेसिटी के ऊपर, इसका जो लेंथ है वो है 2015 mm, जो विड्थ है वो है 715 mm, और जो हाइट है वो है 1110 mm, और उसका जो वेट आता है वो है ओवरऑल वेट जो है 120 kg। और इसका सीट हाइट का बात किया जाए वो सबसे बेस्ट है यहाँ पर, वो आता है 780 mm। कोई भी 5'6" से 5'10" तक बंदा जो है अच्छे से इसमें एडजस्ट हो जाता है, कोई भी बैक पेन नहीं आता है, क्योंकि इसका जो सीटिंग का जो पोस्चर है वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट। यू कैन मेक ए गुड टूर विथ इट, विथ ए लॉन्ग टूर विथ इट। एंड नाउ जस्ट कम टू इट्स ग्राउंड क्लियरेंस। जो ग्राउंड क्लियरेंस है BS6 में वो थोड़ा घट गया है, वो है 138 mm, जो है थोड़ा जो बम्पर है उसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो थोड़ा नीचे लग जाता है, जब आप हम्प्स या कोई भी स्पीड ब्रेकर में ज़्यादा जोर से लेके जाएंगे तो वो जो है नीचे लग जाता है। तो ये थोड़ा चेंज हुआ है BS6 में, जो है उसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा घट गया है। तो अभी चलिए अभी आते हैं उसके इलेक्ट्रिक के ऊपर। इलेक्ट्रिक के ऊपर ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे कि हेलोजन बल्ब है वो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, वो जो सेटअप है ठीक है। और इसका फ्यूल टैंक के पास आता है, ये जो आता है 17 लीटर फ्यूल टैंक के आता है, जो बहुत ही बड़ा है। 17 लीटर फ्यूल टैंक 300 cc का बाइक में ये सबसे बड़ी बात है, और कोई भी सेगमेंट में ऐसा नहीं आता है। और इसका जो रिजर्व टैंक है, जो रिजर्व कैपेसिटी है इसका, वो है 4.5 लीटर। तो अभी आते हैं टायर के तरफ। जो रियर टायर है वो है 140/70, ये जो होता आता है 17-inch अलॉय व्हील के साथ आता है, MRF जापर ही आता है। और जो इसका जो फ्रंट का टायर है वो है 110/70, वो भी 17-inch अलॉय व्हील के साथ आता है, जो है MRF जापर। कॉस्ट कटिंग के लिए उन लोग ने थोड़ा वो जो है MRF डाल दिया, पर MRF थोड़ा ज़्यादा ग्रिप नहीं लेता है, मुझे तो अच्छा नहीं लगता है, मैं शायद 10,000 किलोमीटर के बाद इसको चेंज कर दूंगा। ये ट्यूबलेस टायर के साथ भी आता है, हाँ ये भी है, ये दोनों ही टायर ट्यूबलेस है। लेट्स कम टू ब्रेक, इट इज़ ABS एंटी ब्रेकिंग सिस्टम। जो फ्रंट का जो ब्रेक है वो है 290 mm, और जो इसका रियर का जो ब्रेक है वो है 220 mm का, जो आता है डुअल चैनल ABS के साथ ये निंजा 300। अभी आपको इसका एग्जस्ट नोट सुनाता हूँ, लेट्स बिगिन विद द एग्जस्ट नोट। This is the roar of three Ninja 3000.
अभी आता है BS6 के चेंजेस ऊपर। जो BS4 मॉडल था उसमें जो था वो भी टू इन सिलेंडर इंजन था, पर वो इंडिया के जो रूल रेगुलेशन के वजह से BS6 में क्या चेंजेस हुआ है, इसका जो आप सिलेंडर दिख सकते हो यहाँ पर, ये टू इन सिलेंडर इंजन है, ये देख सकते हो, ये जो टू इन सिलेंडर है, ये इंजन को ऐसा डिजाइन किया गया है जैसे कि इसमें नो चेंजेस मीन्स इन पावर रेशियो देयर विल बी नो चेंजेस इन पावर। ये देख सकते हो, ये कैंडी लाइम ग्रीन, ये जो है कलर है वो है कैंडी लाइम ग्रीन, ये कैंडी लाइम ग्रीन का ही कलर है। और मैं जो कस्टमाइज किया हूँ उसके बारे में मैं आता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये ग्रैब हैंडलर, ये जो ग्रैब हैंडलर है निंजा 300 में एक अलग ही ग्रैब हैंडलर आता है, जैसे कि उसका जो ग्रैब हैंडलर है कुछ डिफरेंट है। आप दिखते होंगे, आप अगर इंटरनेट में सर्च करोगे तो उसका जो ग्रैब हैंडलर है वो डिफरेंट है। ये जो ग्रैब हैंडलर है मुझे 7500 पड़ा है, तो दोनों का 7500 मुझे आया है ये। और ये थोड़ा स्पोर्टी लुक भी देता है, जैसे कि आप देख सकते हो ये थोड़ा स्पोर्टी लग रहा है वो ग्रैब हैंडलर के साथ। और उसके बाद आता है हम, ये जो है इसको फ्रेम स्लाइडर बोलते हैं। इसका क्या काम है, अगर गाड़ी गिर जाता है ना ऐसे तो ये सपोर्ट करता है, थोड़ा स्क्रैच करने नहीं देता है, और बस ऐसा ही है। और ये जो है एक साइड का जो है 7500, दोनों साइड का मुझे 15000 ही लगा। और उसके बाद आते हैं टैंक पैड के पास, जो टैंक पैड है वो है ये, ये है टैंक पैड, आप देख सकते होंगे ये है टैंक पैड ये, और ये साइड का जो टैंक पैड है वो है ये। ये जो टैंक पैड है मुझे आया 3500 का, और जो है मैं लगाया हूँ ये जो है ये यूनिवर्सल USB चार्जर है, और ये होल्डर भी है, मोबाइल होल्डर भी है, और ये बहुत ही अच्छा है, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छा है, और ये जो चार्ज आउटपुट देता है ये भी मस्त देता है। और जो सबसे बड़ा चेंज नहीं हुआ है वो 3BS के अंदर, वो शायद आप सभी लोगों को पता होगा, वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना वो वैसा ही है, सेम ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। आप देखिए एक बार, ये है इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये देखिए इसमें चेंज नहीं हुआ है। BS6 में शायद इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए था, ठीक है, तो बस ये ही चेंज नहीं हुआ है। हाँ, और एक जैसे कि है, कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि LED चाहिए LED, बट मैं जो पर्सनली अगर मेरा जो एक्सपीरियंस बोलूँगा, ये जो है प्रोजेक्टर, जो ये जो हेडलैम्प भी है ये भी मस्त है, ये फॉग कंडीशन में अच्छा दिखाई देता है, रात को भी अच्छा दिखाई देता है। पर हाँ, शायद अगर LED आ जाता तो थोड़ा अच्छा होता। तो मैं तो शायद ज़्यादा घूमा नहीं हूँ, बस मैं कितना किलोमीटर गया हूँ वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये है मेरा, ये है किलोमीटर, आप देख सकते होंगे शायद कुछ लग गया है उसके, ये है 2035 किलोमीटर मैं चलाया हूँ। और मेरा जो है फास्ट सर्विसिंग गया है, और जो फास्ट सर्विसिंग का जो है फास्ट सर्विस का जो कॉस्ट आया है मैं आपको वो दिखाऊंगा, उसका जो पेपर भी है मेरे पास है मैं आपको दिखाऊंगा। और गाड़ी का जो आउटपुट रेशियो है वो मस्त है, गाड़ी चलाने में पूरा स्मूथ है, गाड़ी आप चलाएंगे ना, ये जो गड्डी है, ये जो बाइक है, ये मज़ा आ जाता है इसको चलाने में। जैसे कि आप अगर कोई KTM 390 चलाया होगा या कोई चलाया होगा, इसका जो कंप्यूटर है वो सबसे बड़ा कंप्यूटर है R3, पर R3 जो है इंडिया में वो डिसकंटिन्यूड हो गया है जो एक साल से, क्योंकि उसका BS6 तो अभी तक आया नहीं है। 300cc में ये जो है ना किंग है, इसके ऊपर मुझे लगता है कोई नहीं है, क्योंकि शायद दो महीना में हर गाड़ी को देखा, उसको एक टेस्ट राइड लिया, उसके बाद में ये खरीदा हूँ निंजा 300। बस कॉस्टिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया यहाँ पर, जैसे कि बेंगलोर में इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 4,15,000, और जो ओडिशा में थोड़ा कम है, जैसे कि 3,80,000 20,000 या 30,000 कम है, पर मैं जो एक्सेसरीज के साथ मुझे आ गया 4,20,000। और इस तो ये भाई बीस्ट है, बीस्ट, दिस इज ए बीस्ट। आई कैन टॉक यू द फीचर्स एंड द स्मूथनेस ऑफ दिस बाइक, व्हेन यू विल राइड यू कैन फील हाउ इट फील्स एंड हाउ इट फील्स टू राइड दिस बाइक। अगर आपको बाइक खरीदना है और वो 4,00,000 के आसपास आ जाए, और 300cc में, मैं जो रेफ़र करूँगा निंजा 300 रेफ़र करूँगा, क्योंकि इसका जो स्मूथनेस है और इसका जो स्पीड है, इसमें जीरो वाइब्रेशन है, वो है नेक्स्ट लेवल का स्मूथनेस, जो है नेक्स्ट लेवल का। तो ये हो गया मेरा निंजा 300 का रिव्यू, और क्या बताऊँगा, स्पेसिफिकेशन सबको पता है, बस गाड़ी जो है, जो बाइक है, वो
लाजवाब है, इसका कोई मुकाबला नहीं है 300 का। ये जो 300 सीरीज में ये अपने आप में किंग है, इसका कोई भी मुकाबला नहीं है। इसका पावर रेशियो, इसका लुक, ये जो है एक बीस्ट है। और ये जो नया कलर जो आया है ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा, बस BS6 में यही चेंज हुआ है और जो सिलेंडर का बात मैंने किया वो चेंज हुआ है, बस इतना ही है। ये पावर तो आपको पता हो गया, 39 PS एट 11,000 RPM एंड जो टॉर्क है वो है 22 Nm एट 9,000 RPM। थोड़ा गाड़ी का प्रोफाइल और दिखा देता हूँ आपको कैसे दिखता है। ये है बीस्ट, ये है बीस्ट। और ये ऊपर का प्रोफाइल है, अगर आप देखना चाहते हो ऐसे ऊपर से, ये है ऊपर का प्रोफाइल, ये आप देख सकते हो। ये डायमंड डिजाइन का है, इसका जो फ्रेम है वो एक डायमंड डिजाइन का आता है। गाड़ी बहुत ही मस्त है भाई, चलाने में पूरा स्मूथ है। जो भी लोग BS6 लिए हैं, न्यू BS6, उन लोगों को पता होगा। तो अभी हम टूर में जाएंगे, अभी तो मैंने बस 2000 किलोमीटर ही इसको चलाया हूँ, बाद में दिखते हैं कभी 5-6 हज़ार चलने के बाद। कभी कभी हम दूर इसको लेके जाते हैं, जैसे कि 500-600 किलोमीटर जाने के बाद पता चलेगा, कभी एक दूर का टूर करते हैं। जैसे कि है जो मैं अगला जो है आई थिंक 10th को मैं जा रहा हूँ, पूरी से जाएंगे चिल्ली का, फिर उससे उसके बाद मैं जाऊँगा जो है दारिंगबाड़ी। ये सब जो लोकेशन मैं बता रहा हूँ वो उड़ीसा का ही है, ये उड़ीसा का ही लोकेशन है। आपको ये बाइक आप मुझे बताइए, कमेंट में बताइए, कमेंट कीजिए। आप यार लाइक नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो यार, ये कैसा होगा? तो यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज। तो जैसे कि मैंने आपको बोला था, जो 1 month का जो सर्विस है मैं आपको बताऊंगा। तो ये है किट 1 month सर्विस का, और ये टोटल जो है कावासाकी का ही किट है, ये आप देख पा रहे होंगे कावासाकी का किट। तो अभी लिखते हैं, जो मेरा पहला सर्विस था कावासाकी निंजा 300 का 2021 BS6 मॉडल का, उसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो जेन्युइन शोरूम में, जो कावासाकी शोरूम भुवनेश्वर है उड़ीसा में, वो कितना आया है चलिए देखते हैं। चलिए अभी निकलते हैं यहाँ से। ये जो है क्या है, क्या क्या है यहाँ पर लिखा हुआ। तो जब भी आप सर्विस करवाते हैं, ये जो आपका बुक मिलता है उसमें आप लिख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। वो डीलर को आप बोलना, कावासाकी जो शोरूम का डीलर है वो लोग यहाँ पर जो है नोट कर लेते हैं कितना किलोमीटर चलता है, कितना गया है वो सब। ये है उसका वारंटी कार्ड, शायद इस वारंटी कार्ड में ही वो लोग लिखे होंगे कितने किलोमीटर गया है।
ये आप देख पा रहे होंगे, ये है सर्विस, ये यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, ये जो है फर्स्ट सर्विस, वन पेड फर्स्ट पेड सर्विस 1000 किलोमीटर पर। मेरा जो है वो 1000 किलोमीटर से थोड़ा ज़्यादा हुआ था, मीन्स आई थिंक 1200 किलोमीटर्स ओनली। तो यहाँ पर आपको स्टाम्प लगाना है, इसको बंद करते हैं। शायद इसमें भी आता है पर इसमें ज़रूरत नहीं है कुछ ऐसे डालने के लिए, कुछ ज़रूरत नहीं होता है ऐसे डालने के लिए। तो अभी आते हैं, वो मेरा जो है उन्होंने जो रिसिप्ट दिया था वो रिसिप्ट के ऊपर कितना पैसा खर्चा हुआ था और क्या हुआ था। यह है कावासाकी और वो जो बुएनोस का जो बाइक का शोरूम है उनका है खिमजी सुपर बाइक LLP। ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो है टोटल बिल है, ये जो है टोटल बिल है आप देख पा रहे होंगे, ये सर्विस नंबर, सर्विस कॉस्ट, ये जो है ऑडोमीटर रीडिंग, मीन्स ये जो ऑडोमीटर रीडिंग है ये है 1200 ओनली, 1200 मीन्स 1200 किलोमीटर। और ये जो है मैं 21 ओडिशा, ये उनका जो प्लेस ऑफ सप्लाई है, उनका जो सप्लाई मार्केट है, ये है 1200। और इसका जो फास्ट चार्ज आता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 3116.99 रुपीज़, और जो लेबर चार्ज होता है वो होता है ये है 3116 रुपया। तो टोटल मिला के जो है 6630 रुपये का बिल आप ये देख सकते हो। ये जो है मेरा पहला सर्विसिंग का जो है वो कॉस्ट है, तो थोड़ा तो एक्सपेंसिव है मैं मानता हूँ, जो फर्स्ट सर्विस था वो थोड़ा एक्सपेंसिव था। और आप एक सुपर बाइक लेते हो तो आपको खर्चा तो आएगा, आपको उसको जो है मेंटेनेंस तो करना ही पड़ेगा, तो ये सब लगता है। जैसे कि अगर आप कोई और से करवाते हो ये भी चीज़, तो यहाँ पर जो 3116 है ये जो है 1000 रुपीज़ आएगा, आपको 4000 में हो जाएगा। पर मैं बोलता हूँ वो आप मत कीजिए, क्योंकि आप शोरूम से गाड़ी लाए हैं जहाँ से, हाँ ठीक है 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर आपको जाना पड़ेगा, तो आप कावासाकी में ही जाकर आप सर्विसिंग कीजिए, क्योंकि वहाँ पर जो है वो है ऑथराइज्ड। एक तो वो ऑथराइज्ड शोरूम है, वहाँ पर जो इंजीनियर्स है वो भी ऑथराइज्ड है, ठीक है, उनको पता है काम कैसे करना है, क्या करना है। और वहाँ पर मशीन रहता है जो आपके जो गाड़ी का जो सेंसर रहता है उनका भी सेंसर रहता है, क्या वो सब डिटेक्शन करता है कोई प्रॉब्लम है या गाड़ी में कुछ भी प्रॉब्लम है, वो सब होता है, ठीक है। अगर आप कहीं और से करवाते हो यही चीज़ जो है वो आपको 4000 में 4500 आ जाएगा, 4000 में आ जाएगा, 2000 आप सेव कर लो, पर वो जो 2000 आपने सेव कर लिया उसमें कुछ बड़ा बात नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही था, और गाड़ी तो आपको पता चल गया कैसा है, ये तो वीडियो मैंने डाल ही दिया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग गाइस। सो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो नीचे वाला बेल वाला आइकन है उसको भी दबा दीजिए, अगर न्यू वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। बस ये मुझे बुरा लगता है, आप लोग वीडियो देख के चले जाते हो पर जो है ना वो सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, शेयर भी नहीं करते हो, आप लोग का प्यार नहीं मिलेगा तो मैं कैसे आगे जाऊँगा। ऐसे अगर आपका प्यार मिले तो मैं इंस्पायर होऊंगा, मुझे थोड़ा इंस्पिरेशन मिलेगा वहाँ से, और मैं वीडियो बनाऊंगा, बहुत ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। आप जहाँ आप जिसके भी ऊपर आप वीडियो बनाने के लिए बोलेंगे मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, मैं 100% में बनाऊंगा। और एक बार गाड़ी का प्रोफाइल दिखा लेता हूँ, आप लोग का मन नहीं भरा होगा मैं जानता हूँ, मुझे पता है, ये और एक बार देख लीजिए, ठीक है। और एक बार भी मैं बोलता हूँ, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप लाइक करेंगे शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे थोड़ा मुझे ज़्यादा प्यार मिलेगा, मैं थोड़ा ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, थोड़ा अच्छा कंटेंट भी लाऊँगा, टूरिंग का कंटेंट लाऊँगा।